नमस्कार, जनता के लिए जनता की आवाज जनता समाचार में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ कंचन। आइए चलते हैं खबर की ओर। जबलपुर में 3 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म करने की घटना सामने आई है। मामला सैपुरा थाना के नटवारा गांव की है, जहां ज्ञात आरोपी ने बच्ची को उसके घर से उठा ले गया और फिर दुष्कर्म किया। बच्ची आज बुधवार की सुबह दूसरे के खेत में घायल अवस्था में मिली। पुलिस को मौके से शराब की बोतल, चप्पल और गमछा भी मिला है। अंदेशा जताया जा रहा है कि संभवतः आरोपी की ही चप्पल और गमछा है। बच्ची के साथ दुष्कर्म का मामला तब उजागर हुआ जब परिवार वाले घटना की शिकायत करने थाने पहुंचे, जिसमें 24 घंटे तक शिकायत दर्ज नहीं की गई। डरे सहमे परिवार वाले बच्ची को लेकर सुबह सीधे सैपुरा थाने पहुंचे, पर थाने में महिला अधिकारी न होने के कारण पाटन थाने से विवेचना अधिकारी को बुलाना पड़ा। इस दौरान करीब 3 घंटे तक बच्ची अपने माता पिता के साथ थाने में ही बैठी रही। महिला अधिकारी के आने के बाद ही बच्ची को इलाज के लिए सैपुरा अस्पताल ले जाया गया। उसके बाद उधर से जबलपुर के एल्गिन अस्पताल में भेजा गया। देखिए, मध्य प्रदेश को संसार करने वाली घटना है। वो शिवराज के शासन में लगातार आदिवासी अत्याचार, बलात्कार, महिलाओं पर उत्पीड़न का मामला लगातार सामने आ रहा है। आज मुझे सुबह फोन आया है कि किसी आदिवासी बच्ची के साथ दुराचार हुआ। मैं थाने पहुंचा, मैं उसके डेली जेल में लगाया पहुंच गया। मुझे जानकारी मिली कि 4 घंटे उन्होंने सुबह 5 बजे 100 नंबर को डाया, तो 100 नंबर में मिसिंग आ गए हैं उसमें, लेकिन 100 नंबर पहुंच ही नहीं आया, कोई भी पुलिस नहीं पहुंची। इसके बाद जब हम लोग पहुंचे तब उसकी रिपोर्ट लिखने की कार्रवाई शुरू हुआ। उसके बाद 6 घंटे तक एमएनसी की नींद आ रहा। जब हम लोगों ने दवा बनाया तो पहले एमएनसी करा, पता चला सैपुरा अस्पताल ले गए, हम लोग वहां गए, वहां से इनके पास गाड़ी भी नहीं थी 100 नंबर के लिए, तो किसी की गाड़ी वाड़ी से यहाँ आ रहे थे। 2-3 बार ये कोशिश कर रहे थे कि बच्ची को यहाँ ला लें, लेकिन क्योंकि हम लोग थे राजनीति के जश्न से हटकर सामाजिक हमारा कर्तव्य होता है, पीड़ित को न्याय मिले। वो लगातार उस क्षेत्र में इस तरह की घटना घट रही, हमारे उस क्षेत्र में 3 घटना है। और बिलपटार में हुई तो लगातार नटवारा की हम पुलिस को कई बार बताते हैं कि उस क्षेत्र में काम आ सकते, कई अपराध हो चुके, चोरी हो, लेकिन कभी कोई गंभीर तरह से ध्यान नहीं दिया। तो राज का मामला भी शिवराज जी के सारे पे दबाने का प्रयास किया जा रहा है, जो कि चैत की नवरात्रि का पहला दिन देवी स्वरूप के साथ ऐसा हुआ। तो स्वाभाविक है कि इतनी बड़ी घटना मध्य प्रदेश को जितने हिलाते हैं। अब हम प्रभु से यही कामना करते हैं कि बच्ची स्वस्थ हो और जो दुष्कर्मी है उसको तत्काल गिरफ्तार करके उसको सजा मिलनी चाहिए। जबलपुर में रोड किनारे चल रही छात्रा को ट्रक ने टक्कर मारने के बाद 30 मीटर तक घसीटा। घटनास्थल पर ही उसकी मौत हो गई। घटना मंगलवार देर शाम की है, जिसका सीसीटीवी फुटेज आज सामने आया। घटना से नाराज छात्रा के परिजन ने ट्रक में तोड़फोड़ कर दी, वहीं ड्राइवर भाग निकला। हालांकि बाद में पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। बताया जाता है कि छात्रा सड़क किनारे पैदल जा रही थी। छात्रा के कुछ आगे सड़क किनारे ही कार खड़ी थी। छात्रा कार तक पहुंची, इतने में बीच रोड पर तेजी से बस आ गई और बस ड्राइवर बीच में ही ब्रेक लगा दिया। तभी छात्रा की साइड से तेजी से आ रहा ट्रक उसे रौंदता हुआ निकल गया। ट्रक कटंगी से जबलपुर की ओर जा रहा था। बोरिया गांव के बीच बाजार में यह हादसा हुआ। एसआई पुष्पेंद्र पटेल के मुताबिक 21 साल की अंकिता सेन कटंगी के बोरिया की रहने वाली थी। बाजार से पैदल घर जाते समय उसके साथ यह हादसा हुआ, जिसमें उसकी मौत हो गई। वहीं जबलपुर शहर के व्यस्ततम बाजार क्षेत्र करमचंद चौक के समीप विनीत टॉकीज के सामने गुलमोहर स्वीट्स के बाजू में स्थित मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स में आज 22 मार्च के तड़के करीब 3 बजे आग लग गई। गश्त पर निकली पुलिस टीम ने आग की लपेट उठते देख तत्काल सूचना नगर निगम के दमकल विभाग को दी, जिसके बाद मौके पर पहुंचे दमकल वाहनों ने करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया। आग लगने के लाखों की क्षति होना बताया जा रहा है। मेहता इलेक्ट्रॉनिक्स के संचालक आकर्ष मेहता ने बताया कि सुबह पुलिस का फोन आया था कि दुकान में आग लग गई है, जिसके बाद दुकान आकर देखा तो पंखे, कूलर, फर्नीचर सहित करीब 40 लाखों का माल पूरी तरह से जल चुका था।
आग शॉर्ट सर्किट से लगने की आशंका जताई जा रही है। वहीं अब पुलिस मामले की जांच में जुटी। जनता दल यूनाइटेड की मध्य प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक आज भोपाल स्थित प्रदेश कार्यालय में संपन्न हुई। कार्यकारिणी की इस महत्वपूर्ण बैठक में मध्य प्रदेश राज्य के सभी जिलों के पार्टी पदाधिकारी, सभी मोर्चों प्रकोष्ठों के प्रमुख एवं प्रदेश स्तरीय पदाधिकारियों की उपस्थिति रही। प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक की अध्यक्षता प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने की। इस बैठक के मुख्य अतिथि पूर्व विधायक बिहार विधानसभा एवं मध्य प्रदेश प्रभारी श्री विद्यासागर निषाद जी थे। जदयू की प्रदेश कार्यकारिणी बैठक में विशेष रूप से आमंत्रित संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष दादा बहादुर सिंह लोधी भी उपस्थित थे। उन्होंने जदयू के कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए कहा कि मेरी तलाश पूरी हुई, मैं सामाजिक पिछड़े वर्ग को जागरूक करने के लिए हमेशा समर्पित रहा, लेकिन कोई राजनीतिक विकल्प मैंने नहीं तलाशा था। लेकिन नीतीश जी ने जिस प्रकार से जातिगत जनगणना बिहार में करवाकर एक ऐतिहासिक निर्णय लिया है, वह देश के लिए अनुकरणीय है। प्रदेश अध्यक्ष सूरज जायसवाल ने कहा कि जनता दल यू अपनी पूरी ताकत के साथ आगामी विधानसभा चुनाव में अपनी राजनीतिक भूमिका अदा करेगा। प्रदेश प्रभारी विद्यासागर निषाद ने कहा कि बिहार मॉडल पूरे देश के लिए एक आदर्श है। वह पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग और वंचित समाज के लिए जो कार्य किए जा रहे हैं वह पूरे देश के लिए एक आईना है। 2014 में गुजरात विकास का झूठा मॉडल दिखाकर देश की भोली जनता को गुमराह किया। मैं चुनौती देता हूं, जो गुजरात मॉडल की बात करते थे आज बिहार आकर देखें किस प्रकार सामाजिक न्याय और न्याय के साथ विकास किया जाता है। नीतीश जी के नेतृत्व में बैठक में पूरे प्रदेश से आए हुए प्रतिनिधियों ने अपने क्षेत्र की जानकारी देते हुए विधानसभा चुनाव की रूपरेखा प्रस्तुत की। पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष शरद यादव, पूर्व राष्ट्रीय चुनाव अधिकारी मामन सोनी, मानू दादा और जबलपुर के समाजवादी नेता रावत जी को श्रद्धांजलि भी अर्पित की गई। कार्यक्रम को आरजी वर्मा, ओमकार सिंह, मनोज चौधरी, संतोष नीमा, आलोक कुमार, सुभाष जायसवाल, उदय कुमार साहू, हरिराम भटनागर, अरविंद लोधी, चंद्रपाल यादव, पूजा पेंद्रो, मिसवा उल हसन, आरके सुनौरिया, मोहन दुबे आदि ने संबोधित किया और आभार प्रदर्शन भोपाल जिला अध्यक्ष सैयद और नईम गुड्डू भाई ने किया। विद्यासागर निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज जायसवाल जिंदाबाद, जिंदाबाद। जनता दल यूनाइटेड जिंदाबाद, जिंदाबाद। नीतीश कुमार जिंदाबाद, जिंदाबाद। विद्यासागर निषाद जिंदाबाद, जिंदाबाद। सूरज जायसवाल जिंदाबाद। संगठन को जमीनी स्तर से मजबूत करने में जिनकी महारत आदरणीय विद्यासागर निषाद जी, मेरे विशेष आग्रह पर हम सभी कार्यकर्ताओं के लिए, जनता दल यू के प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्यों के लिए अपनी बात कहने के लिए उपस्थित हुए संयुक्त पिछड़ा वर्ग मोर्चा की राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय दादा बहादुर सिंह लोधी जी, आदरणीय हमारे भोपाल के जिलाध्यक्ष गुड्डू भाई, संतोष नेमा जी यहां उपस्थित, भी मेरे क्रांतिकारी साथियों, जब भौतिकवादी राजनीति और भौतिक राजनीति वादी राजनीतिक दलों के चपेट में है, ऐसे में समाजवादी विचारधारा के साथ खड़े होने का जो साहस करे वो सामान्य कार्यकर्ता, समान सोच का व्यक्ति नहीं होता, वो क्रांतिकारी होता है। इसलिए मैंने आप सभी को क्रांतिकारी साथी के लिए संबोधित। उसे एक ऐतिहासिक कदम होगा और एक संपूर्ण देश को दिशा देने के लिए मील का पत्थर साबित। हम जब गांव में जाएंगे, मध्य प्रदेश के छोटे छोटे गांव में जाएंगे, तो लोगों को इस बात के लिए आश्वस्त करेंगे कि हमारी जब पार्टी सरकार में मध्य प्रदेश में आएगी या हमारे समर्थन से जो सरकार बनेगी, हमारे शर्त होगी कि जब तक हमारे शर्तों पे वो सरकार नहीं बनेगी, जब तक कि वो जाति आधारित जनगणना ना कराए, जब तक संपूर्ण, जिस प्रकार से बिहार में शराबबंदी है, पूर्ण नशाबंदी है,
मध्य प्रदेश के अंदर भी संपूर्ण नशाबंदी की तरफ उसको फैसला लेना पड़ेगा। बहुत सारे इतिहास, परंतु जिनका डीएनए भारत का है वही भारत की समस्याओं को ठीक ढंग से निपटा सकते हैं। इसके अलावा इसका कोई दूसरा विकल्प नहीं। हम धर्म और जाति के आधार पर इसी विषय को मानते हैं। मैं मोटे तौर पर अपने भाषणों में भी बोलता हूं, मुसलमान अलग है, उसका खुदा अलग है। मध्य प्रदेश के बड़वानी से 42 किलोमीटर दूर लोहारा के नर्मदा घाट में नहाते समय गहरे पानी में जाने से 4 युवक डूब गए। सूचना लगते ही अंजड़ थाना पुलिस और एसडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस को जांच में एक युवक का शव मिला है, वहीं 3 अन्य युवकों की तलाश जारी है। सूचना के बाद अजाक डीएसपी कुंदन सिंह मंडलोई भी मौके पर पहुंचे। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार गुजरात के ग्राम टोकरिया व धार जिले के ग्राम मिर्जापुर से 11 लोग नर्मदा में नहाने के लिए मिलनपुर से नाव में बैठकर नर्मदा पार कर लोहारा घाट आए थे। यहां पर नहाने के दौरान एक युवक डूब रहा था, उसे बचाने के लिए उसके 3 दोस्त भी नदी में गए जो गहरे पानी में जाने के कारण डूब गए। घटना सुबह 10 बजे की बताई जा रही है। पुलिस को मोहम्मद किफायतुल्ला निवासी गुजरात का शव नदी में मिला है, वहीं अन्य 3 युवक मोहम्मद असरार, जुनैद और जुबैर की तलाश जारी है। वहीं मध्य प्रदेश में तहसीलदार और नायब तहसीलदार काम पर लौट आए हैं। वे 20 मार्च से 3 दिन की छुट्टी पर चले गए थे, लेकिन दूसरे ही दिन मांगों पर सरकार स्तर से सहमति बनने के बाद वे बुधवार को काम पर लौट आए। उन्होंने फसल सर्वे का काम भी शुरू कर दिया। 25 मार्च तक सर्वे पूरा कर रिपोर्ट कलेक्टरों को देना है। हालांकि 2 दिन सरकारी अवकाश है, इसलिए जनता के काम शुक्रवार से ही होंगे। राजस्व मंत्री गोविंद सिंह समेत विभाग के सीनियर अफसरों के साथ मीटिंग के बाद काम पर लौटने का निर्णय लिया। 1 महीने में सारी मांगे पूरी होने पर सहमति भी जताई। इसे लेकर कार्यकारिणी की मीटिंग हुई थी, जिसमें बुधवार से काम करने का निर्णय लिया गया। ये थी आज की खबर। और खबरों को देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की बटन को दबाना ना भूलें। आप देख रहे हैं जनता के लिए जनता की आवाज़, जनता समाचार। अन्य खबरों के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें।